हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ यश। वेलकम टू हेल्दी मील्स। फ्रेंड्स, आज हम रेगुलेटर बदलना सीखेंगे और रेगुलेटर कैसे बदला जाता है देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए, इस रेगुलेटर को, इस नॉब, ये जो आपको नॉब दिखाई दे रही है, इसको हम राइट की तरफ घुमाएंगे ऐसे। ये मैंने राइट की तरफ घुमाया है और ये नीचे ये एक रिंग सा है, इसको हम पुश करेंगे। इसके अंदर स्प्रिंग होती है, देखिए फ्रेंड्स, इसके अंदर ये स्प्रिंग है। हम इसको ऐसे ऊपर पुश करेंगे तो ये हमारा रेगुलेटर ऊपर निकल आता है। थोड़ा सा हल्का पुश करके खींचेंगे, ऊपर को निकल जाता है। देखिए, मैंने निकाल लिया, ठीक है। देखिए, ये ऐसा मैकेनिज्म होता है। ये देखिए, ये ऐसे पुश वाला, ये जब हमें सिलेंडर निकालना होता है तो ऐसे पुश करते हैं और एक ऊपर को खींचते हैं, निकल जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, निकाला कैसे था? इसको हमने राइट की तरफ घुमाया था और लगाना होगा तो इसको हम ऊपर करेंगे, लेफ्ट की तरफ करेंगे इसको। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमें लेफ्ट की तरफ करेंगे। ये फ्रेंड्स, मैं बिगनर्स के लिए बता रही हूँ, जिनको ये लगाना नहीं आता, रेगुलेटर लगाना नहीं आता, उनके लिए बता रही हूँ फ्रेंड्स। ये इसको हम ऐसे ही पुश करके रखेंगे और ये नॉब है ना, ये ऊपर की तरफ रहेगी। ये देखिए, चालू होता है सिलेंडर तो ये नॉब जो होती है ना, ये नीचे की तरफ आती है, ये वाला, देखिए। ठीक है ना, अब ये मैं घुमा के वो लेफ्ट की तरफ कर दूंगी ना, ऐसे घुमा के, तो ये सिलेंडर हमारा निकल जाएगा बाहर। ठीक है, हम ये देखिए ऐसे देख, ऐसे भी देख लेंगे, चेक कर लेंगे, यूँ करके ऐसे पुश हो रहा है तो यानी कि हमारा ये खुला है, हमने निकाल लिया सिलेंडर, पुश हो रहा है तो। ठीक है ना, नॉब नीचे होगी ना हमारे, तो ये पुश नहीं होगा फ्रेंड्स। ये ध्यान रखने वाली बात है बिगनर्स के लिए, ठीक है। तो ये देखिए, ज़्यादा पुश नहीं होगा, जब हम इसको घुमा के नॉब को नीचे कर देंगे ना, तब ये पुश होगा अच्छी तरह से। ठीक है, चलिए लगाते हैं। ऐसे ग्रिप बना के, उंगलियों से ऐसे ग्रिप बनाए, इसके ऊपर रखा है सिलेंडर को। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे हम ऊपर से पुश करेंगे थोड़ा सा सिलेंडर को और इसको यूँ ऊपर को ऐसे उठाएंगे। ये हमने उठाया और ऐसे जैसे कट से आवाज़ आई ना ऐसे, ये देखिए ऐसे आराम से स्प्रिंग हो रही है इसकी, तो यानी सिलेंडर का ये रेगुलेटर बैठ गया अपनी जगह पे अच्छी तरह से। ठीक है ना, देखिए मैंने ऐसे ऊपर से ये यहाँ से इसे पुश करना है थोड़ा सा और ये देखिए आराम से ऐसे दबरा तो बैठ गया सिलेंडर। बैठने के बाद हम इस नॉब को चालू कर देंगे गैस को। ये देखिए की तरफ हमारा, हमने निकाला था, जब निकाला था तो राइट की तरफ करके निकाला है और जब हम इसको चालू करेंगे तो लेफ्ट की तरफ घुमाएंगे। ये देखिए मैंने घुमा दिया। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम गैस जला के देखते हैं। ये देखिए गैस हमारी चालू हो गई है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, बस ऐसे लगाते हैं इसका रेगुलेटर गैस का। जिन भाई बहनों को लगाना नहीं आता ना गैस का रेगुलेटर, ये वीडियो उन्हीं के लिए बनाया है मैंने, खासकर जिनको बहुत परेशानी होती है बिगनर्स को कि हम रेगुलेटर कैसे लगाएं गैस का। फ्रेंड्स, मेरे चैनल को, अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे ना फ्रेंड्स, तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज़। बाय फ्रेंड्स।